भिलाई शहर के हृदय स्थल आकाश गंगा व्यवसायिक परिसर में नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। गौरतलब है कि आकाश गंगा दुर्गोत्सव समिति हर साल की तरह इस साल भी बहुत बड़े पैमाने में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने जा रही है, जिसमें कि हैदराबाद का बिरला मंदिर भव्य रूप से देखने को मिलेगा। विगत 25 दिनों में यहां कलकत्ता के 20 कारीगर दिन व रात काम करके भव्य पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। इस बार सभी को बहुत उत्साह है, क्योंकि 2 साल से कोरोना के कारण पंडाल बहुत छोटे छोटे बन रहे थे, क्योंकि बैठाना जरूरी रहता है नवरात्रि में माता जी को, इसलिए हम लोग छोटे लेवल पे बैठाए थे। लेकिन विगत 18 वर्षों से यहाँ दुर्गा जी बैठ रहे हैं, दुर्गा जी की प्रतिमा यहाँ विराजित होती है। लेकिन इस बार हमने बहुत भव्य पंडाल बनाया है। यहाँ हैदराबाद का जो बिरला मंदिर है वो दर्शाया गया है, जो पीछे आप देख रहे हैं वो हैदराबाद का भव्य बिरला मंदिर है। झांकी को क्या स्वरूप दिया गया है? झांकी कांवड़ यात्रा, जो छत्तीसगढ़ की बहुत पारंपरिक यात्रा कांवड़ यात्रा के नाम से जो होता है, वो हमने झांकी के रूप में दर्शाएंगे यहाँ। शहरवासियों से अपील करना चाहेंगे? हाँ, शहरवासियों से एक विनम्र अपील यही है कि सभी अपने पूरे परिवारों के साथ, अपने पारिवारिक जनों के साथ यहाँ आएँ और प्रतिदिन यहाँ भंडारा होगा, उसका भी लाभ अवश्य लें। 9 दिन रोज भंडारा है, 9 दिन प्रतिदिन 9 दिन पूरा भंडारा है, संध्या आरती के बाद भंडारा रहेगा, तो उसमें आने का कष्ट करें सभी। शहरवासियों से विनम्र अपील यही रहेगी कि प्रतिदिन यहाँ भंडारा है, जिसमें वो लोग आएँ और यहाँ माँ दुर्गा की जो प्रतिमा स्थापित की गई हैं उसका दर्शन करने अवश्य आएँ। सबसे पहले मैं भिलाई वासियों को नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज आकाशगंगा व्यापारी संघ की ओर से एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और अपने आप में पहली बार मैं देखा है, इतने साल हो गए करीब करीब मेरे को 34-35 साल, ये आयोजन अपने आप में एक विशाल आयोजन है जहां माता दुर्गा का स्थापना होने जा रहा है और कल से हमारा नवरात्रि शुरू होने जा रहा है। एक बार फिर से मैं सभी हमारे आकाशगंगा के व्यापारी जो तन मन धन से अपना बहुमूल्य समय देकर और आज इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना आयोजन के साथ साथ, और हम तो ये चाहते हैं कि पूरे भिलाई वासियों को कि एक बार ज़रूर आएँ आप और माता जी का दर्शन करके आप अपना लाभ लें, इन्हीं भावनाओं के साथ फिर से एक बार मैं शुभकामनाएँ देना।